आतंकवाद का नाहगाहक पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार रात को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा और गोलीबारी की। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए। फिलहाल पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में फायरिंग की जा रही है और मोर्टार दागे जा रहे हैं। वहीं भारतीय सुरक्षा बल भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, वह सीमावर्ती रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी गोलाबारी को देखते हुए अखनूर सेक्टर के परगवाल के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान रमजान के पवित्र महीने में भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। जब भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगता है और फिर मौका पाते ही गोलीबारी करने लगता है। वहीं शनिवार को श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर सिलसिलेवार चार ग्रेनेड हमले हुए, जिसमें चार जवानों सहित पाँच लोग घायल हो गए। खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पहला हमला श्रीनगर के फतेह कद्दल और दूसरा बुदशाह इलाके में हुआ, जहां सीआरपीएफ वाहनों को निशाना बनाया गया। इसमें चार जवानों सहित पाँच लोग घायल हो गए। तीसरा हमला श्रीनगर के जहांगीर चौक में हुआ, यहां 300 मीटर की दूरी से हमले को अंजाम दिया गया। मोमिनाबाद बतामालू में भी हमले की बात कही जा रही थी, लेकिन घटना की जांच के बाद पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। यहां गाड़ी के टायर फटने की सूचना है, जिसे ग्रेनेड हमला मान लिया गया था। इससे पहले शुक्रवार को कश्मीर में अलग अलग इलाकों में 5 ग्रेनेड हमले किए गए थे। ग्रेनेड हमले का यह दौर शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।